बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज अली टीवी के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, मौत किसी को बता कर नहीं आती, बस तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी कि यकायक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और कंडक्टर से मुखातिब हुआ, सवारी चढ़ा लो। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोल कर बाहर देखा, वहाँ कोई मौजूद ना था, सड़क दूर दूर तक वीरान थी। इसने हैरत से ड्राइवर की तरफ देखा, फिर आवाज़ लगाई, बाहर कोई नहीं है उस्ताद, जाने दो। कंडक्टर के जाने दो के जवाब में जब बस आगे न बढ़ी तो इसकी हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। सवारियां भी ड्राइवर को देखने लगीं, लेकिन वहां बिल्कुल खामोशी थी। कंडक्टर ने जब इसके पास आया तो उछल पड़ा, क्योंकि ड्राइवर का चेहरा बता रहा था कि वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। मौत ना किसी से पूछ कर आती है और ना किसी को बता कर आती है, फिर भी हम हर वक्त गुनाहों में मशगूल हैं। हम में से बाज़ दोस्त ऐसे भी हैं जो कानों पर हेडफोन्स लगाकर हर वक्त गानों की धुन में मस्त रहते हैं, और बाज़ तो ऐसे भी हैं जो रात को सोने वक्त गाने सुनते सुनते सो जाते हैं, और कुछ तो ऐसे लोग भी होंगे जो हर वक्त फिल्म और ड्रामों के चक्कर में दिन रात मशगूल रहते हैं। नाज़िम, ज़रा सोचिएगा, इस हालत में अगर खुदा न ख्वास्ता हमारी मौत वाकई हो जाए तो हमारा क्या हशर होगा, क्योंकि मौत किसी को बता कर नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। और नाज़रीन, इस चैनल पर मोहम्मद बिन कासिम सीरीज़ शुरू की गई है, यकीनन वो आपको पसंद आएगी, उसे भी विज़िट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।